इंटरमीडिएट के नतीजे इस बार कुछ ठीक नहीं आए, जिस पर कई तुलबा ने खुदकुशी कर ली। आज इस मामले पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से एक मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के रियासती सदर सैयद वलीउल्लाह खादरी ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। सैयद वलीउल्लाह खादरी है, मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का रियासती सदर हूँ। आज रियासत के तमाम स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन को मखदूम भवन के अंदर बुलाया गया और हाल ही में जो इंटरमीडिएट तलबा का जो वाकया पेश आया, जो इंटरमीडिएट तलबा के रिजल्ट के अंदर जो घोटाला हुआ इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से और सरकार की जानिब से, उन वो जो तलबा जो इस मामले को लेकर आज कई एहतजाज कर रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम एक नई लड़ाई को शुरू करने के लिए रियासत के तमाम तलबा और तंजीमों को और यूथ तंजीमों को बुलाकर यहाँ पर फैसला लिया गया। दूसरी बात, आज जो हुकूमत तेलंगाना की हुकूमत जो है वो कातिलों को छुपा रही है और उनको बचा रही है, जो कसूरवार है उनको बचाने का काम कर रही है, क्योंकि ये वाक़या होकर तकरीबन एक महीना होने को है लेकिन आज तक जो इस वाक़या के अंदर जो धांधलियों को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, जो अहदेदार हैं, जो मंत्री हैं, उनको बचाने का काम कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से